हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रोड पर। दोस्तों आज यहाँ से कितनी गाड़ी आ रही है, ओवरटेक की तो बात ही नहीं बनती। हे गाइस, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा आगे क्या है कुछ है। तो सब गाड़ी के लाइट्स वगैरह हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। टेम्परेचर की बात करूँ यहाँ पे तो जो टेम्परेचर भी फिलहाल बता रहे हैं वो लगभग 22 बता रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इससे थोड़ा कम ही होने वाला है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही कम विजिबिलिटी है यहाँ पे। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा गाड़ी साइड को लगा लेते हो क्या, हम साइड से देखते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना ज़्यादा फॉग अप यहाँ पे हो चुका है। हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषण रोड पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये देखिए ये है बुलढाणा, एंड बुलढाणा में इतना ज़्यादा फॉग अप आज हो चुका है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा रोड बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आगे, एक लिमिट के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर, 50 भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम ही है। उसके बाद में ये देखिए अभी ये गाड़ियाँ सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, देखिए पूरी तरीके से गायब। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग अप आज हो चुका है, बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉग अप है। तो यहाँ पे सब बंदे लोग जो है वो गाड़ी के जो साइड लाइट होते हैं, पार्किंग लाइट्स होते हैं, वो सभी को यहाँ पे ऑन करना है, तभी आपको यहाँ से पूरा विजिबिलिटी मिलेगा। मतलब ये देखिए यहाँ से गाड़ी आ रही है लेकिन हमें कुछ भी नहीं विजिबल, कुछ भी नहीं हो रहा है। और बस अगर लाइट आ रहा है तो आपको बस उसी से पता चलेगा कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, वरना तो आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे जो है वो बारिश आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है। तो ऐसे केस में आपको सब लाइट्स वगैरह ऑन करके यहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है। देखिए और कुछ गाड़ियाँ आ रही है यहाँ पे, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा फॉग अप हो चुका है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है, अभी हम जाते हैं गाड़ी में जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है, ठीक है। तो आपको अभी कुछ सीन्स दिखाता हूँ मैं, ठीक है। आराम से भाई, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पहले, और तो इतना ज़ोर से गाड़ी घुमा रहा है, थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है भाई, इतना फॉग अप है, गाड़ी दिख भी नहीं रही है आगे से। अरे समोर गाड़ी है ना, ब्रेक मारे ला, कहाँ पे गाड़ी है, ठीक है समोर आपने। हाँ वो गाड़ी तो है, ये देखिए फॉग कितना ज्यादा है यार, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। आपको बस आगे की गाड़ी दिख रही है, मुझे तो बस ये गाड़ी दिख रही है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। दस मीटर आगे जाना है क्या, गाड़ी के आगे देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है। हम साइड पे पार्किंग लाइट वगैरह सब यहाँ पे ऑन कर देते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा है। एंड काफी ज्यादा बढ़िया ऐसा सीन चल रहा है अभी। देखिए सब गाड़ियों ने अपने अपने लाइट्स ऑन कर दिए हैं, यहाँ पे चिल्मैन बैठ चुके हैं, थोड़ा सा काले आ रहे हैं। बहुत सही मजा आ रहा है गाड़ी चलाने को, बहुत सही, बहुत ही सही, विजिबिलिटी इज जीरो। विजिबिलिटी का आपको कुछ बताना है, ये बहुत धीरे से बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही सही, मतलब ये महाबलेश्वर और जम्मू कश्मीर टाइप फीलिंग है, ये बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि लेह लद्दाख में भी ऐसा कुछ सीन आपको देखना मिल जाता है। लेह लद्दाख ही घूम रहे हैं, तो गाड़ी के आगे कुछ नहीं दिख रहा, संभाल के भाई संभाल के। तो फॉग अप भी इतना ज्यादा है कि हम क्या क्या ही बताएं। देखिए आपको विजिबिलिटी में आपको बताना चाहूँ तो बस 10 मीटर, दोस्तों 10 मीटर भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी कम है ये गाड़ी हमारे, काफी ज्यादा है। ये गाड़ी के सामने देखो आपको कुछ भी नहीं दिखा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आ चुका है अपना एक ऑटो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए पेट्रोल पंप है लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी ज्यादा कम विजिबिलिटी आज यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे नीचे की ओर ये देखिएगा गाड़ियाँ आ रही है लेकिन कुछ भी विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टाइम मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, तो ये देखिए अभी बज चुके हैं 10:43 सुबह के, 10:43 यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए पूरा फॉग अप हो चुका है दोस्तों, पूरी तरीके से फॉग अप, आपको एक टाइम के बाद में कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, या देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए अभी आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सीन अभी यहाँ पे है बुलढाणा। दोस्तों ये है बुलढाणा, ठीक है, आपको पता चल गया होगा अभी ये लोकेशन कौन सा है ना, हम कहाँ पे है अभी। अभी मैं आपको यहाँ पे भी नीचे की और भी बता देना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बस आपको ये दिख रहा है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं, पूरा फॉग अप है, पूरा मतलब पूरा फॉग अप है यार, पूरा फॉग अप है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
एंड यहाँ से जो शूट अभी आप देख रहे हो ना कैमरा से चल रही है, ठीक है, कैमरा से चल रही है ये शूट। एंड बारिश भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, देखिए एक लिमिट के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं यार। यहाँ पे ना बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मेरे कैमरा पे ऊपर से पानी गिर रहा है, तो ये देखिए। फिर भी मैं ये आके इसके नीचे खड़ा हूँ, पर फिर भी जो है वो तो है। देखिए ये साइड पे देखिए, अभी यहाँ से कितनी गाड़ियाँ आ रही है। ओवरटेक की तो बात ही नहीं बनती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक ही आना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, बहुत संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है ऐसे वक्त में। देखो धीरे धीरे करके पूरी गाड़ी अब यहाँ से गायब हो जाएगी। देखो दिखना बंद हो गया, देखो गायब गायब, पूरी तरीके से गायब हो गई। तो ऐसा है दोस्तों, एंजॉय कीजिए, लेकिन यहाँ पे वो संभालना भी पड़ता है ऐसे केस में। लेह लद्दाख वगैरह वहाँ पे भी कैसे कैसे होता है ना, सब फॉग अप उसी तरीके से। यार दोस्तों अभी बारिश ना थोड़ा यहाँ पे आ रही है, तो मैं कैमरा को रख देता हूँ, नहीं तो कैमरा अगर ख़राब हो गया तो अपने लिए शूट नहीं आ सकेगा ना। तो चलिए कैमरा को मैं बंद कर देता हूँ, अभी अगला शूट जो है वो शायद मैं मोबाइल से लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पीछे से देखिए गाड़ी आकर मुझे हॉर्न सुनाई दे रही है, हॉर्न देखा। और देखिए ये आ चुकी है गाड़ी, बस हॉर्न से सुनना पड़ता है, बस हॉर्न बजाओ, खुद को सेव करो, नहीं यहाँ से वापस गायब हो जाएगी अभी गाड़ी पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला शूट मैं मोबाइल से लेता हूँ, थोड़ा बारिश यहाँ पे बढ़ गया है। तो दोस्तों क्या आप देख सकते हो यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, एकदम आराम से बैठा है नीचे। ये देखिए यहाँ पे है वो बंदर, मंकी। देखो यहाँ पे विजिबिलिटी का स्टेटस कैसा है आप देख सकते हो, थोड़े टाइम के बाद यहाँ से गाड़ियाँ गायब हो जा रही है ना। सेम यहीं पे भी विजिबिलिटी एकदम कम है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है, लेकिन गाड़ी आ रही है ये कैसे पता चलेगा, वो बस आवाज़ से पता चलता है, क्योंकि दिखता ही नहीं है यहाँ पे। 10 मीटर के आगे का एंड 10 मीटर पीछे का कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे, सब गायब, फॉग के अंदर बस गायब हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे, देखिए यहाँ पे एक और गाड़ी दिख रही है, देखो आ गई है। आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस लाइट अगर होगी गाड़ी को, साइड इंडिकेटर्स तो भी आपको पता चलेगा, वरना कुछ भी नहीं पता चलने वाला। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, एंजॉय करते हैं अभी थोड़ा। ये देखिए सब गाड़ी एक के पीछे एक, एक के पीछे सब लाइन में जाएगी, क्योंकि दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी एकदम से कम हो चुकी है। आप कर भी नहीं कुछ नहीं सकते इस केस में, ओवरटेक की तो बात ही छोड़ दो, ओवरटेक भी नहीं हो सकता इस केस में तो।